फ्रेंड्स, आरसीआई एजुकेशन ऐप की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं विद्यार्थी हूँ। कृषि रसायन में जो अपना चैप्टर है जैव रसायन, उसमें अपन आज बात करेंगे लिपिड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? लिपिड के बारे में। पिछली क्लास तक अपना न्यूक्लिक अम्ल वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लिपिड। क्लियर? ये आपका लिपिड कोशिकाओं में पाया जाने वाला चिकना पदार्थ होता है जो जल में अभिलय होता है। किसकी बात करेंगे अपन? स्पर्श में चिकना होता है, राइट। दूसरी बात, जल में अभिलय होता है, जल में अभिलय, परंतु कार्बनिक विलायकों में कौन कौन? क्लोरोफॉर्म, ईथर, बेंजीन में क्या है? विलेय, राइट। स्पर्श में चिकना होता है, जल में अविलेय होता है। कार्बनिक विलायकों क्लोरोफॉर्म, ईथर, बेंजीन में क्या होता है? विलेय होता है, ठीक है। क्या कहलाता है आपका? लिपिड कहलाता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसके अपघटन से क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। क्लियर? जो आपका लिपिड शब्द है, इसकी बात कर रहे हैं। लिपिड शब्द आपके ग्रीक भाषा के लिपो शब्द से बना है। इससे बना है बेटा? लिपो शब्द से बना है, राइट। जिसका अर्थ होता है फैट या वसा। क्या होता है? फैट या वसा। क्लियर? और इसमें जो आपके आएंगे मुख्यतः, इसकी बात करेंगे अपन वसा, तेल, और इसकी बात करेंगे अपन मोम की बात करेंगे। वसा, तेल और मोम के बारे में अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। तो लिपिड आपका एक संयुक्त रूप हो गया। वसा भी आएगी इसमें, तेल भी आ गया और मोम भी आ गया, क्योंकि ये आपके चिकने भी होते हैं, जल में अगले भी होते हैं, ऊर्जा के स्रोत भी होते हैं। आगे बात समझ में? कि सबसे बना है लिपोज, उसका अर्थ क्या होता है? फैट या वसा। इसलिए इसमें कौन कौन से आगे? वसा, तेल, राइट। और यहां पर ये क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत। क्या है ये? ऊर्जा का मुख्य स्रोत। क्लियर? तो ये आपको क्या हो गया? इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं किसकी? वर्गीकरण। इसकी बात करते हैं बेटा वर्गीकरण। मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार। एक तो होती है आपकी सरल लिपिड, इसकी बात करेंगे अपन सरल। दूसरी होती है आपकी संयुक्त लिपिड, इसकी बात करेंगे बेटा संयुक्त। नंबर एक सरल लिपिड, नंबर दो संयुक्त, और नंबर तीन है आपके पास में कौन सी? व्युत्पन्न लिपिड। इसकी बात करेंगे अपन व्युत्पन्न लिपिड की बात। क्लियर? सरल लिपिड, संयुक्त लिपिड, और तीसरा क्या है आपका? व्युत्पन्न। बात क्लियर है? आगे चले। अब अपन वन बाय वन एक एक को अपन यहां पर समझते हैं। सबसे पहले अपन इसकी बात करेंगे सरल लिपि की बात करें। इसकी बात करेंगे बेटा सरल लिपि की बात। देखिए नंबर एक है अपने पास में सरल लिपि या सम लिपिड,
सरल लिक्विड या सम लिक्विड। क्लियर? अब देखो सामान्य तो देख ध्यान देना, सब में एक चीज है कॉमन, एल्कोहल और अम्ल। किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं? एल्कोहल और आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, याद नहीं है बट मैं बता दूं मैं आपको कि एल्कोहल और अम्ल जब भी मिलते हैं तब क्या बनता है? एस्टर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा? एस्टर का निर्माण होता है। देखो एल्कोहल प्लस अम्ल जब भी मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? एस्टर। और क्या निकल जाएगा? जल का अनुपात। मतलब क्या क्या बना अपने पास में? एस्टर। तो जो सरल लिपिड या सम लिपिड होते हैं वो एल्कोहल और अम्ल। अब यहां अम्ल कौन से हैं? वसी अम्ल होंगे जो वसा में पाए जाते हैं। तो एल्कोहल और वसी अम्ल के क्या होते हैं? ये ट्राई एस्टर होते हैं। क्या होते हैं? ये ट्राई एस्टर होते हैं। आगे बात समझ में? सरल लिपिड क्या होते हैं? एल्कोहल और वसे अम्ल के ट्राई एस्टर होते हैं। क्लियर? अभी दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। देखिए बेटा यहां पर कैसे बात करते हैं अपन इनको। ये बात क्लियर होगी, लिपिड जो है आपके वो कोई सी भी लिपिड हो वो एल्कोहल और वसे अम्ल से मिलकर बने। ये बात बिल्कुल माइंड में फिट कर लो, जब भी लिपिड की बात आती है तो किससे मिलकर बनेंगे? एल्कोहल और वसे अम्ल से। तो यहां पर दो प्रकार में से आपका पहला आ गया प्राकृतिक, तेल। इसकी बात कर रहे हैं अपन प्राकृतिक तेल एवं वसा। प्राकृतिक तेल एवं वसा। क्लियर? प्राकृतिक तेल एवं वसा। क्लियर? अब प्राकृतिक तेल और वसा जो होते हैं वो एल्कोहल, इसकी बात करें बेटा एल्कोहल प्लस वसीय अम्ल के ट्राई ग्लिसराइड, इसकी बात करेंगे अपन ट्राई ग्लिसराइड। प्राकृतिक तेल एवं वसा जो होते हैं एल्कोहल और वसीय अम्ल के क्या होते हैं? ट्राई एस्टर, जिन्हें क्या कहा जाता है? ट्राई ग्लिसराइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्राई ग्लिसराइड कहा जाता है। जिसमें से तेल किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। और वसा किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में होती है। तेल किस में होता है? सबने देखा होगा द्रव अवस्था में। और वसा किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में होती है। क्लियर? नंबर दो है सरल में अपने पास में, ध्यान से देखिए बेटा। नंबर दो में किसकी बात आती है? मोम की बात आती है। उसकी बात करते हैं अपन। अब जो एल्कोहल होंगे वो भी क्या होंगे? लंबी श्रृंखला वाले। एल्कोहल भी क्या होंगे? लंबी श्रृंखला वाले। परंतु क्या मोनोहाइड्रिक? क्या होंगे? मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक का मतलब है यहां पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्लस वसीय अम्ल, राइट? दोनों क्या होंगे? लंबी श्रृंखला वाले होंगे जिसमें कार्बन की संख्या क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कौन सा लंबी श्रृंखला होगा? मोनोहाइड्रिक का मतलब जिसमें एक OH समूह होता है, जिसमें एक OH समूह होता है। वसे अम्ल ये भी क्या होगा? लंबी श्रृंखला वाला।
क्लियर क्या कहलाएंगे आपके सामान्यतः मोम का गलनांक तेल व वसा से क्या होता है ज्यादा होता है। जैसे मधुमक्खी का मोम, इसी बात करेंगे अपन मधुमक्खी का बात क्लियर है। अपना कष्ट हो गया कौन सा सरल लिपिड या संलिपिड जो क्या होते हैं एल्कोहल और वसे अम्लों के एस्टर होते हैं ट्राई एस्टर होते हैं। आइए बात समझ में, इसमें भी एल्कोहल है वसे अम्ल है, इसमें भी एल्कोहल है वसे अम्ल है। अंतर क्या है यहां लंबी श्रृंखला वाला है यहां कम श्रृंखला वाला है। आगे चले नंबर दो की बात करते हैं अपन इसकी। देखिए नंबर दो है आपके पास में कौन सा, नंबर दो है संयुक्त लिपिड। इसकी बात आती है संयुक्त लिपिड या विषम लिपिड, संयुक्त लिपिड या विषम लिपिड। अब इसमें क्या होता है एल्कोहल भी होगा वसे अम्ल भी होगा, एल्कोहल भी होगा वसे अम्ल भी होगा, परंतु साथ में एक्स्ट्रा पार्ट होगा, साथ में क्या होगा एक्स्ट्रा पार्ट होगा, इसलिए बोला विषम, जो वास्तविकता है उससे एक्स्ट्रा चीज भी यहां पर उपस्थित है राइट। इसमें नंबर एक ये भी दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक ये आपका फास्फोलिपिड, कौन सी है बेटा फास्फोलिपिड। अब देखो फास्फोलिपिड में क्या होता है एल्कोहल होंगे और वसे अम्ल होंगे राइट, एल्कोहल होंगे और वसे अम्ल होंगे, साथ में फॉस्फोरिक अम्ल कौन सा H3PO4, फॉस्फोरिक अम्ल कौन सा हो गया H3PO4 प्लस N क्षार, इसकी बात हो रही है N क्षार की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है N क्षार नाइट्रोजन क्षार क्लियर। एल्कोहल वसे अम्ल के साथ में क्या होंगे फॉस्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन क्षार, फॉस्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन क्षार बात क्लियर है। आगे चलें इसका दूसरा पार्ट कौन सा होता है देखिए बेटा, तो दूसरा पार्ट होगा वो कौन सा होगा ग्लाइकोलिपिड, इसकी बात करेंगे अपन ग्लाइकोलिपिड की बात करें, इसकी बात करेंगे ग्लाइकोलिपिड। अब जो ग्लाइकोलिपिड होता है वो ग्लाइकोलिपिड आपका एल्कोहल और वसे अम्ल के अलावा उसमें जो एल्कोहल है वो शर्करा के रूप में होती है, तो क्या कहेंगे इसको शर्करा तथा वसे अम्ल के एस्टर, इसकी बात कर रहा हूं मैं ग्लाइकोलिपिड, इसकी बात कर रहा हूं मैं ग्लाइकोलिपिड की। तो ग्लाइकोलिपिड में एल्कोहल इस रूप में शर्करा के रूप में, शर्करा और वसीय अम्ल के एस्टर, और साथ में क्या पाया जाता है इसमें साथ में पाया जाता है नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन क्षार, इसमें फॉस्फोरिक अम्ल नहीं पाया जाता है, और मुख्यतः ये श्वेत रक्त कणिकाओं में यकृत में रक्त में आदि में पाया जाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, जो आपका ग्लाइकोलिपिड है वो शर्करा जो एल्कोहल के रूप में होती है वसीय अम्ल के एस्टर होते हैं, साथ में नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है, इसमें फॉस्फोरिक अम्ल नहीं पाया जाता, और ये श्वेत रक्त कणिकाएं यकृत वृक्क आदि कोशिकाओं में पाए जाते हैं, कोशिकाओं में पाए जाते हैं क्लियर। लास्ट आता है आपका कौन सा व्युत्पन्न लिपिड, इसकी बात करें बेटा व्युत्पन्न लिपिड की बात करें, ऐसे लिपिड जो सरल और संयुक्त लिपिड के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं, ऐसे लिपिड जो सरल व संयुक्त लिपिड के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं
जैसे स्टेरॉइड, टर्पीन, कैरोटीनॉइड। स्टेरॉइड, टर्पीन, कैरोटीनॉइड। क्लियर। ये था आपका लिपिड का परिचय और इसका वर्गीकरण। उम्मीद करता हूं क्लास आपको समझ में आई होगी। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।